इंदौर के तेजाजी थाना क्षेत्र में कल हुए कांग्रेस द्वारा डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सहित 40 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तेजाजी नगर पुलिस ने 3 धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां कल कांग्रेस द्वारा डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया था। पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी चक्का जाम किया गया था। वहीं पुलिस ने जीतू पटवारी, सदाशिव यादव, दौलत पटेल, अंतर सिंह दरबार सहित अन्य 40 कांग्रेसियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं एएसपी शशिकांत कनकने का कहना है कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार सहित करीब 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया था, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। और इंदौर का लोग ना कभी खाना बुला कि आओ भैया हमारे साथ भोजन करो, या किसान ना की आवाज है, और या दाल को तेल को भाव बता दियो, मैंने सोयाबीन को भाव बता दियो। यो है कालो कानून। मोदी जी से अनुरोध है यो कालो कानून वापस ले। जिला कांग्रेस का धन्यवाद, उनने यो आंदोलन रखियो। खूब ढेर सारी शुभकामना, सब भैया पाछा बैठी जाओ, जो अभी दरबार साहब बात करेगा। धन्यवाद। थाना क्षेत्र में कल कल थाना तेजाजी नगर के अंतर्गत तेजाजी नगर चौक पर कांग्रेस के द्वारा डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया। उसी दौरान उनके द्वारा रास्ते को बाधित किया गया। इस पर से पुलिस बल द्वारा समझाइश देने के बाद भी नहीं हटे, तो इस पर से थाना तेजाजी नगर में जीतू पटवारी, सदाशिव यादव, दौलत पटेल, अंतर सिंह दरबार एवं अन्य 30-40 जो लोग थे उनके खिलाफ 341, 188, 147 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर, ये जितने भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, सर, क्योंकि 10 जने अगर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी क्या इन आरोपियों को देखा जाएगा? बिल्कुल, घटनाक्रम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई है, और रिकॉर्डिंग के आधार पर जो लोग भी उसमें शामिल थे उन सभी लोगों को इसमें आरोपी बनाया जाएगा। आरोपी बन सकते हैं उसमें? अन्य 30-40 लोग अन्य लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर उनकी जब शिनाख्ती हो जाएगी तो उनको आरोपी बनाया जाएगा।